राहुल गांधी जी आजकल भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6000 6500 किलोमीटर चलेंगे, मणिपुर से मुंबई तक चलेंगे, बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने जितना अन्याय किया है 10 सालों के अंदर, जितना लोगों को महंगाई बेरोजगारी से परेशान कर रखा है, भविष्य बर्बाद कर रखा है, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे ये न्याय यात्रा करने के बाद। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी बहुत बड़ा नमूना है। अगर किसी को लाफ्टर कॉमेडी देखनी है, फ्री में देखनी है, तो उन्हें राहुल गांधी की स्पीच सुननी चाहिए, राहुल गांधी के भाषण सुनने चाहिए। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। इस परिवार में केवल इंदिरा गांधी के बाद कोई भी लीडर ऐसा नहीं हुआ जिसे हम स्ट्रांग कहें। इंदिरा गांधी वास्तव में बहुत अच्छी लीडर थी, उनसे पहले नेहरू जी। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी इतने कैपेबल है कि मोदी सरकार को इस न्याय यात्रा के बाद मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बोलो, देखिए, देश की तो बात छोड़िए, वो दिल्ली का मेयर बनने लायक नहीं है। राहुल गांधी किसी म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनने लायक नहीं है। अगर मेरे वार्ड में, मेरे छोटे से शहर में, अगर मेरे वार्ड में भी खड़े हो जाएं, तो मैं म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी वो चुने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में मतलब कुछ भी नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है। उन्हें बोलने का सलीका आता है, वो हमेशा कुछ बोलते हैं, आलू से सोना बनाते हैं, और उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि मैं सो रहा था, राजनीति जाग रही थी, देश पता नहीं कहाँ था। उनका सारे जो आप स्पीचेस, ये जो जननायक वाली छवि बना रहे हैं, बोल रहे कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा के बाद जननायक उभर आया देश के अंदर, एक तानाशाह के खिलाफ एक जननायक उभर रहा है। देखिए, कोई जननायक नहीं उभर रहा है, वो देश के बहुत बड़े खलनायक हैं। बेसिकली उन्होंने देश को बहुत पीछे छोड़ दिया। जननायक वाली छवि निकली है, आपको क्या लगता है? जन नमूना जो सर ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। राहुल गांधी कहाँ लंदन में पढ़े लिखे हैं, देश की जनता गरीबी और ये कहाँ पढ़े, मतलब कहाँ उन्होंने कुछ जानते ही नहीं है कि देश की जनता क्या चाहती है। वो सिर्फ ये कि मेरे परिवार में प्रधानमंत्री रहे हैं, मेरा परिवार ऐसा है तो मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, तो ऐसे बनने से कुछ नहीं हो जाता, ये तो सेलिब्रिटीज की तरह हो गया। मेरा फादर था अमिताभ बच्चन का है, अमिताभ बच्चन की तरह के अभिषेक बच्चन बन गए? नहीं बन गए। उसके लिए आपको क्वालिटी चाहिए, ठीक है, जनता का सपोर्ट चाहिए। मोदी को रिप्लेस, मोदी से जो कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस वाले और बहुत से लोग कि मोदी को रिप्लेस करेंगे इस बार जननायक, मैं एक सिंपल सी बात पूरी जनता से पूछना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं मोदी खराब है, जो भी है, आप मुझे मोदी के बाद एक ऐसा नाम बता दो जो देश को इतना संभाल सकता है, जो देश को इतना नाम कर सकता है, जो देश के लिए इतना काम कर सकता है। एक नाम नहीं बता पाएगा कांग्रेस, किसका नाम लेगा? राहुल गांधी का। जनता ही हंसेगी इस बात पे। किसका? केजरीवाल। केजरीवाल अपने मफलर के पीछे रहे, वो कुछ नहीं, कोई नहीं जानता केजरीवाल। केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल को तो तेजस्वी यादव, बिहार के जो अभी उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनका तो नाम ही मतलब वो तो कहीं से स्टैंड ही नहीं करते। चोर फैमिली है, वो चोर परिवार है। लालू यादव ने चारा घोटाला किया, उनके परिवार ने नौकरी देने के बदले लोगों से अपनी जो जमीनें थी वो अपने नाम कराई, और 11-12 बच्चे आज अरबपति बने हुए हैं उनके। उनकी जो लड़की है मीसा भारती और जो और लोग हैं, या फार्म हाउस में मकान लेके बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, एक चारवाई की फैमिली के पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सोचने वाली बात है। और ये इनकी केवल ये रही है, खाओ पियो मौज करो, देश को लूटो। और उन्होंने अपना और केवल अपने परिवार का भला किया है आज तक, और खुद भी जब रिटायर हुए या जेल गए तो अपनी बीवी को वो बना गए मुख्यमंत्री, जबकि किसी योग्य आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार भी अभी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है उन्हें मैं कहाँ रहूँ, किसके साथ रहूँ। बहुत ही चोर फैमिली है। लग रहा है 2024 में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा राहुल गांधी के तरफ से, 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को एक कड़ी टक्कर मिलेगी भारत न्याय यात्रा के बाद, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो टक्कर देने लायक ही नहीं है। मोदी को टक्कर देने के लिए उनके बराबर के कद का तो आदमी हो, राहुल गांधी का देश की जनता से पूछ लो कहां से टक्कर देने लायक है। अभी इन्होंने जो इंडिया गठबंधन बनाया, क्या हुआ? फेल हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं? चार चोर मिलके एक संगठन बना रहे हैं, हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेल हो रहा है, क्योंकि जनता को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब समझ में आ रहा है कि हमारी भलाई किस में है। जहां देश की भलाई वहां जनता की भलाई, ऐसा तो है नहीं कि वो हिंदुओं को दे रहे हैं तो मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं, सभी को सेम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का के बारे में सबको समझ में आ गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है सर, बिग इंपैक्ट डालेगा भारत न्याय यात्रा जो, राहुल गांधी जी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं डालेगा, बल्कि ये जितना इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, और देश सारा, देश की जो जनता है वो इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है, और ये
ये केवल और केवल देश को लूटने के लिए पैदा हुए हैं, और इस परिवार ने तो हमेशा ही देश का सत्यानाश किया है। एक दो लोगों को छोड़ दीजिए, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज पाकिस्तानियों और बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों को मौका मिले तो आज वो इंडिया आना चाहते हैं। इंडिया की जो प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था आसमान चूम रही है, और आज आज आप वहाँ आटे का भाव देखिए, प्याज का भाव देखिए, और वहाँ क्राइम देखिए आप, और आज हमारे भारत में देखिए कि हमारा देश में ही नाम नहीं है, विदेशों में भी नाम है। हमारी जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पायदान पे आने वाली है, और ये कभी किसी ने सोचा था कि आज हम इस लेवल पे पहुंचेंगे? ये हिंदू मुस्लिम केवल और केवल कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे जो परिवारवादी, जिन्होंने केवल अपने अपने परिवार का सोचा, सारे देश को खा गए दीमक की तरह। आज अगर देखिए, योगी जी को देखिए, मोदी जी को देखिए, बीजेपी के जो और नेता है उनको देखिए, आज देश एक जगह है। मुंबई जो कांड हुआ था उसके बाद आज तक कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी हमारी सफलता है। आज अगर उरी में अटैक होता है या दूसरा वाला जो अटैक हुआ था उसके बाद हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंख भी दिखा सके। कांग्रेस 70 साल में या जितने भी विपक्षी दल थे, इनका केवल एक ही एजेंडा है, सत्ता में आना और देश को लूटना, लोगों को भ्रम में फैलाना, लोगों को बरगलाना, लोगों को ख्वाब दिखाना, और वोट के लिए लोगों में जाके शराब बांटना, लोगों को पैसे देना। कौन कौन से ख्वाब दिखाए कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बहुत ख्वाब दिखाए हैं, वो हमेशा गरीबी और बेरोजगारी और इन सारी चीज़ों का मुद्दा लेके आती है, लेकिन उसने कभी ना गरीबी दूर की वो, और ना ही कभी बेरोजगारी दूर की। उनका बोलने का स्टैंडर्ड अलग रहा, हमेशा दोगले रहे वो, करने बोलने को देश के साथ रहे लेकिन हमेशा वो देश के विपक्षियों के साथ रहे। अच्छा। राहुल गांधी जाके चाइना के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के लोगों से मिलते हैं, लंदन में जाके इंडिया की बुराई करते हैं, और कोई भी देश का आदमी हो, वो अगर वो देश का नागरिक है तो उसे दूसरे देश में जाके अपने देश की बुराई करने का कोई हक नहीं है। और मैं आपसे देखिए एक बात कहूँगा कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद जो उन्नति हुई है, जो प्रगति हुई है, और जो देश प्रोग्रेस में, और देश जो ऊंचाइयों को छू रहा है, आज हर युवा और हर किसान और गरीबों को उन्होंने जो गैस पहुंचाई, गरीबों को जो लोन दिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के थ्रू लोगों ने जो घर बनाए अपने, करोड़ों में वो घर बने हैं। और आप ये देखिए कि उन्होंने, अच्छा दूसरा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, जो सारी स्कीमें हैं वो हिंदुओं के लिए भी हैं, मुस्लिम के लिए भी हैं, सबके लिए हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा लास्ट में, इस बार 2024 के इलेक्शन में देश के मुसलमान भी उन्हें वोट देने वाले हैं, और बहुत अच्छी तरह से वोट देने वाले हैं। बीजेपी फिर से पावर में आएगी और सबके लिए काम करेगी, चाहे हिंदू या मुस्लिम। क्या नाम है मैम आप? प्रज्ञा जैन। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। और सर का आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील जैन है और ये मेरी वाइफ है। मैं एयरपोर्ट पर जॉब करता हूँ, मैं एक कंपनी में CFO हूँ वहाँ पर, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। जी प्रोफेशन आप दो CA हैं, मैम हाउसवाइफ हैं, हाउसमेकर हैं। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो एक बोल रहे हैं कि हिंदुओं का जो 500 सालों का इंतजार, जो एक राम मंदिर टूटा था 500 साल पहले, 550 साल पहले, अब वो दोबारा अपने जगह भगवान राम के जो जन्म स्थल है वहाँ पर स्थापित हो रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कर कमलों से खुद नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। पहले ये बताइए, जो इस पर राजनीति हो रही है, कुछ बोल रहे हैं कि 22 तारीख को मोदी जी जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं वहाँ पर, ना उसमें श्रद्धा से लेना है कुछ, ना उस पर आपका सनातन धर्म से लेना है, ना भगवान राम से लेना है, वो सिर्फ राजनीति से कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए जो बोल रहे हैं बहुत गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, उन्होंने तो कुछ कर नहीं पाए, कांग्रेस और जो अन्य दल हैं वो कुछ नहीं कर पाए। अब मोदी जी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इलेक्शन में कहीं वो ना हार जाएं, ठीक है, तो अब वो इसलिए जनता को बरगला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सनातन धर्म के, क्या वो सनातन धर्म को वो नहीं मानते हैं? कांग्रेस में भी बहुत से लोग मानते हैं। अब वही बात हो गई, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं, अब वो तो कुछ कर नहीं पाए। अब मोदी जी कर रहे हैं तो जनता को अब किस तरह से बरगलाना है? तो नया बहाना कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो बस वही भ्रम की प्रति लोगों को, जनता को बरगला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। आपने 70 सालों का नाम लिया और कांग्रेस का नाम लिया, आपको लगता है कि मतलब 70 साल में जो एक इंतजार था वो पहले भी खत्म हो सकता था? इतने इंतजार कांग्रेस पार्टी बना सकती थी। आप बोल रहे कि नहीं, हम बना सकते थे पर हम सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल नहीं, 70 साल में इतना समय हो गया, कांग्रेस सरकार बहुत कुछ कर सकती थी। जनता का क्या हाल था? मतलब अगर आप देश की आज की स्थिति देखो, भारत की, अब भारत
को हर कोई बहुत ही सम्मान से जानता है, हर कोई उसकी मतलब इज्जत करता है कि ये इंडियन है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, लोग बोलते थे इंडियन है, मतलब इंडियन की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। आज मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, आप ये देखो। तो ये जो कांग्रेस कह रही है, उन्होंने जब भी सत्ता में आए उन्होंने क्या किया, अपने दामाद का भला किया, अपने घर का भला नहीं, खानदान में इतना पैसा जोड़ा कि बस पीढ़ियां हमारी पैसों से राज करती रहे, कुछ नहीं है। तो अब वो वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या बोलेंगे सर, ये जो 22 तारीख को बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं, पूरी तरह से सहमत हूं मैं इनकी बातों से, बिल्कुल सहमत हूं। आप क्या बोलना चाहते थे सर, कुछ बोलना चाहते हैं? सर, मैं इंडिया की आर्मी, इंडिया की पुलिस और इंडिया की नगर पालिका निगम, इन तीन चीजों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि आप हो तो हर राम, देखिए आपने वो बात रख दिया। देखिए मेरा जो विषय है, मेरा विषय जो इस समय है वो राम मंदिर है और 2024 के लोकसभा चुनाव है। आपको उससे रिलेटेड कुछ बात करनी है तो आप बोलिए। सर, देश में इतनी महंगाई आसमान से ऊपर चली गई, उस पर ध्यान नहीं है सर। अच्छा, मोदी जी ने बहुत महंगाई कर रखी है, दशा आसमान से ऊपर चली गई सर। रोजगार नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है। कितनी, अच्छा बताइए कितनी आसमान में कितनी ऊपर गई, चांद, जहाँ पे चांद पे वो भेजा झंडा वहाँ पे ही हमारा। एक आप बताइए कौन सी एजेंडा, बताइए किस चीज पे राजनीति, असली 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 देश चला रहा है, इंडिया आर्मी, इंडिया की पुलिस, इंडिया नगर पालिका, इनकी इनके सबसे नहीं, इनकी सबसे इनकी सबसे इनकी पगार सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इंडिया आर्मी के लिए, इंडिया आर्मी की, इंडिया पुलिस की। बताइए मोदी जी ने कैसा काम किया 10 सालों में? हमको नहीं पसंद, हमको पसंद नहीं, पसंद नहीं आप? नहीं नहीं, महंगाई महंगाई आसमान से ऊपर चली गई, हाँ, रोजगार नहीं है लोगों, जीना मुश्किल हो रहा है। और क्या, बिल्कुल हो रहा है, जीना मुश्किल। जो राम और राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि बाप का विरोध करके खुद को कहते बागी हो, अरे अब तक राम समझ नहीं पाए कितने बड़े अभागी हो।